बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जॉब्स हैं आपके लिए वो हैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में, ठीक है, PAEC में। इसमें जो है पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा, आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको ईजीली जो है वो हर चीज़ समझ आ जाए और आप खुद उसमें अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड चैनल बने हैं मेरे चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन में प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मेरी नई जॉब की वीडियो दें उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलते हैं जी, सबसे पहले जॉब की रिटायरमेंट देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसमें अप्लाई का तरीका भी समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, पब्लिक नोटिस नंबर 12023, ठीक है। इसमें जो है वो जो पहली वैकेंसी है वो है जूनियर असिस्टेंट एडमिन, ठीक है। इसमें जो इसका स्केल है वो है SPS 4, ठीक है। और जो सेकेंड है वो है जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, ठीक है। और इसका भी स्केल है वो है SPS 4, ठीक है। इसमें जो आपकी तालीम की रिक्वायरमेंट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। जो जूनियर असिस्टेंट एडमिन है इसमें जो है वो BCS या BBA अगर आपने की है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं लाइक HRM, मार्केटिंग या IT में, ठीक है जी। उसके बाद या अगर आपने BA या BSc भी की हुई है तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपका, ठीक है। BA और BSc वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकेंड है वो है जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स। इसमें जो है वो तालीम आपकी BBA फाइनेंस या बैंकिंग की वो आपने, ठीक है, या जो है वो आपने BCom भी किया हुआ है तो भी आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं, ठीक है जी। इसमें भी जो है वो कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, अब इसमें जो है वो अप्लाई का तरीकाकार क्या है इसमें मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो एक तो अप्लाई की लास्ट डेट है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं विद इन 15 डेज। ये रिटायरमेंट जो है वो कल मीन्स के शाया हुई थी, तो इसकी जो है वो 15 मई 2023 तक जो है वो इसकी अप्लाई की लास्ट डेट है, ठीक है। 15 मई 2023 तक इसकी जो है वो लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो अप्लाई ऑनलाइन जो है वो इस वेबसाइट के थ्रू आपने करना है, मैं भी आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, ठीक है। और बाकी इसमें जो है वो कोई ख़ास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। हाँ, एज की जो लिमिट है वो है 35 साल तक, ठीक है। मैक्सिमम जो एज की लिमिट है वो 35 साल तक है। 35 साल से ऊपर वाले अप्लाई नहीं कर सकते, 35 साल तक, और उससे नीचे वाले 18 से 35 तक वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है मैं आपको अभी इस वेबसाइट पर लेके चलता हूँ। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं ors.paec.gov.pk, ठीक है। ये वाला लिंक जो है वो आपने गूगल में सर्च करना है और इस तरह से जो है वो वेबसाइट ओपन होगी, रिक्रूटमेंट सिस्टम लिखा आएगा, ठीक है। तो ये ऑफिशियल जो है ये पाकिस्तान जो है वो एटॉमिक एनर्जी की जो है वो वेबसाइट है, ठीक है। और इसमें जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मौजूद है और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू व्यू लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो मे बी कि ये जो है वो अभी अपडेट ना हुई हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें जो है वो काफ़ी मतलब चेक करता रहता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटी लिखा हुआ है कि नो ओपन वैकेंसीज, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसमें बात को ऐसा होता है क्योंकि वेबसाइट अभी जो है वो कल जो है वो ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुई है न्यूज़पेपर में, तो आज या मे बी आज शाम तक या कल सुबह तक जो है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप जो है वो इसी के थ्रू ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपने जो है तरीका क्या होगा अप्लाई करने का, रजिस्ट्रेशन वाला बटन है, ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और अगर आप इस पर इस तरह से पहले अप्लाई कर चुके हैं तो फिर आपने डायरेक्ट साइन इन करना है, और अगर आपने पहले अप्लाई नहीं किया तो आप न्यू हैं तो आपने पहले यहाँ पर रजिस्टर करना है खुद को, ठीक है। रजिस्टर में जो है वो आपने अपना ID कार्ड लिखना है, नेम लिखना है, पासवर्ड 2 बार लिखना है। उसके बाद यहाँ पर सीक्रेट क्वेश्चन होता है वो आपने और उसका आंसर लिखना है ताकि आपकी याद आने के लिए, ठीक है। और ये कैप्चा आपने करना है और आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। और अगर तो जिनका अकाउंट बना हुआ है वो डायरेक्ट जो है वो साइन इन करेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आपका ID कार्ड आएगा और आपने नेक्स्ट करना है। 2 स्टेप्स में आप जो है वो लॉग इन हो जाएंगे और जो अवेलेबल जॉब्स होंगी आप उसके लिए अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ ना समझ आ रही हो अप्लाई के दौरान, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जो है वो मज़ीद गाइड कर दूँगा। और अगर जो है वो कमेंट करना मुश्किल हो तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, ठीक है, मेरे चैनल के अबाउट में जाके आप मुझे जो है ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आप जो है मज़ीद आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आई थिंक सो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।